नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किया सेल्टोस का HTK+ वेरिएंट। ये पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी भाई, इसमें पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो ये वाला वेरिएंट खड़ा है हमारे पास में, ये है पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें देखते हैं आप क्या कुछ फीचर मिलता है और भाई इसकी पावर वगैरह कैसी क्या इसमें दी जाती है, सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर फ्रंट में बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिलेगी वही बेस वेरियंट वाली आपको ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पर रफ़ ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ये सिल्वर टेक्स्चर मिल जाएगा। टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, लेकिन क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी बेस वेरियंट से, वो है इसकी DRL। यहाँ पर ये छोटे वाली आपको DRL मिलेगी, वो लंबी वाली नहीं मिलती जो टॉप वेरिएंट में मिलती है वहां तक। यहां पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और भाई यहां पे आपको प्रोजेक्टर इसमें हेडलैम्प मिलेगा, नीचे फॉग लैंप भी मिल जाएगा प्रोजेक्टर, लेकिन ये वाला पार्ट आपको रफ ब्लैक प्लास्टिक ही मिलेगा पूरा। ये वाली जो ग्रिल है वो भी रफ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगी, यहां पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी। ये हो गया इसका फ्रंट। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। ड्राइवर साइड दिखा दूं आपको पहले, ये देखो भाई ड्राइवर साइड देखने में वैसी लगेगी जैसा टॉप वेरिएंट है, कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको इसमें एक दो चीज़ का मिलेगा, वो है जैसे इसके अलॉय व्हील का, दूसरा जो इसकी साइड क्लाइडिंग है उसमें थोड़ी आपको अलग टाइप की मिलेगी, वो है वहाँ पे जो टॉप तो नहीं है लेकिन इससे ऊपर वाला वेरिएंट है, फोर्थ वेरिएंट होता है जो, उसमें वाइट मिल जाता है और सिल्वर कलर की एक पट्टी मिलती है और क्रोम के डोर हैंडल मिल जाते हैं। इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें ब्लैक मिलेगा, वाइट कलर के यानी कि बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, की होल भी मिलेगा। यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर भी मिलेंगे, ऑटो फोल्ड मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, ए पिलर बी पिलर ब्लैक टेप के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्रोम का यूज़ नहीं किया गया, उसमें आपको क्रोम भी मिल जाएगा और भाई यहाँ पे सिल्वर कलर की इसमें रूफ रेल मिलेगी। ये हो गया। अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको 16 इंच का ही मिलता है अलॉय व्हील मिल जाएंगे, ग्रे कलर के ही मिलेंगे और 265/65R16 इसका टायर प्रोफाइल। आगे पीछे डिस्क मिलते हैं पेट्रोल वेरियंट में भी। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। ये देखो भाई इसका रियर में इसमें आपको लगभग सारे फीचर मिल जाते हैं जो इससे ऊपर वाले वेरियंट्स में मिलते हैं। अब एक एक करके बताऊं, टेल लाइट है वो भाई इसमें आपको LED नहीं मिलेगी, इससे ऊपर वाले जो HTX लाइन आ जाता है, जो HTX लाइन में आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिलती है, लेकिन इसमें आपको हेलोजन मिलेगी, ये टर्न इंडिकेटर मिलेगा, ये बैक गियर के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्रोम मिलता है, ये इसमें आपको ग्रे कलर का एलिमेंट मिल जाएगा, किया का लोगो। यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें वाइपर, डिफोगर, वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, ऊपर इसमें स्पॉइलर नहीं मिलता, शार्कफिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे सेल्टोस लिखा गया है। रियर व्यू कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा। बम्पर की बात करूँ तो ब्लैक कलर का मिलेगा और यहाँ पे ये इसमें आपको ग्रे कलर का ये टेक्सचर मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, नीचे स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर कलर की, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हो गया भाई रियर व्यू। अब दिखाता हूँ को पैसेंजर साइड। यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, बाकी और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, कोई इसमें की होल या रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर में देखते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। वही ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। डोर पैनल की बात करूं पहले तो वो आपको रफ़ ब्लैक प्लास्टिक के साथ मिलेगा, यहाँ पे भी रफ़ ब्लैक प्लास्टिक दिया गया है। डोर हैंडल है जो वो सिल्वर कलर के मिलेंगे और यहाँ पे सारे कंट्रोल मिलेंगे, ORVM और जो इसका पावर विंडो है उससे रिलेटेड एक जो विंडो है ये ड्राइवर साइड वाली, वो आपको 1 टच डाउन और 1 टच अप मिलेगी और भाई नीचे 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिलेगा। यहाँ पर ट्विटर भी मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा स्पीकर। ये वाला पार्ट भी ग्लोसी ब्लैक नहीं मिलता इसमें, ये रफ़ ही मिलता है, जो एक्स लाइन है उसमें ग्लॉसी ब्लैक मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे बात करूँ तो उसकी सीट दी गई है वो फैब्रिक सीट मिलती हैं, इसमें आपको लेदरेट सीट नहीं मिलती, लेकिन ये 8-way एडजस्टेबल मिलेगी, हाइट एडजस्ट करने का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। इसका डैशबोर्ड दिखाऊँ आपको तो भाई ये देखो सेम वैसा ही मिलेगा जैसा बेस वेरिएंट में था। ऊपर यहाँ पे वही प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो एक्स लाइन में था या फिर ई में था, वो सेम ऐसा ही आपको इसमें प्लास्टिक मिलेगा, सेम टेक्सचर मिलेगा। चेंज आ जाएगा जो बेस वेरिएंट था उसमें यहाँ पे ग्रे टेक्सचर मिलता है, इसमें यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है। और भाई इसमें एक चेंज आएगा, जो टॉप वेरिएंट है उसमें यहाँ पे 10 इंच की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको 8 इंच की मिल जाएगी और इसमें यहाँ पे फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, उसमें फिजिकल बटन नहीं मिलते, पूरा आपको वो टच मिलता है पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ पे। बाकी इसमें सारे वही फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे ऑल मेनू में देखते हैं, इसमें यहाँ पर ये साउंड मोड लैंप मिलेगा, फ़ोन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया,
क्वाइट मोड और यहाँ पे DRVM का आपको पता ही है, इसको अगर प्रेस करेंगे तो रियर व्यू कैमरा वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग है, मैनुअल है, ये इसमें सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। टच जो इसका रिस्पांस करता है वो भाई वैसा ही है जैसा 10 इंच वाला करता है, लेकिन इसमें फीचर्स आपको थोड़ा बहुत वो है और इसमें थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी वैसा ही है। ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बोस की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी कहीं भी, लेकिन जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट थे एक्स लाइन में, आपको यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी जिसमें 10 इंच का मिलता है। आपको यहाँ पे भी इसमें कहीं भी बोस की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। एसी वेंट के साइड में यहाँ पे आपको सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, बीच में यहाँ पे एसी के वेंट दिए गए हैं, ये हैजार्ड लाइट का स्विच है और भाई ये इसका मैनुअल आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे मोड्स चेंज करने के लिए ये है इसका जो ब्लोअर है उसकी स्पीड के लिए, ये मिलेगा टेम्परेचर के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए, ये मिलेगा एसी के लिए। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेस फोन वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट है, ये चार्जिंग के लिए एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिलेगा। ये ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, ये रफ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा। इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड का मिलेगा इसमें पेट्रोल इंजन के साथ भी, और यहाँ पे अगर नोब की बात करूँ तो ऊपर से ये ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर का यूज़ किया गया है, ये ग्लोसी ब्लैक है, मैंने बताई दिया। रफ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा, आर्म रेस्ट इसका स्लाइड नहीं होगा लेकिन इसके अंदर स्पेस मिलेगा, और भाई ये सॉफ्ट टच मिल जाएगा। अगर इसकी सीट की बात करूँ तो फैब्रिक सीट मिलती है जो बेस वेरिएंट में मिलती थी, सेम वैसा ही फैब्रिक है और कुशनिंग वगैरह सेम वैसी ही दी गई है। सीटें लगभग वैसी है, सिर्फ एक चेंज कर दिया इसमें, जो इसकी ड्राइवर साइड की सीट है वो हाइट एडजस्टेबल दे दी, लेकिन बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की। राउंड शेप में मिलेगा, रबड़ रैप स्टेयरिंग मिलता है। यहाँ पे जो कंट्रोल मिलेंगे वो मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा और MID के इसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। MID इसमें वही छोटे साइज़ की मिलेगी जो बेस वेरिएंट में मिलता था, और भाई यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो भी लगभग सेम ही मिलेंगे। इसमें आपको दो साइड में एनालॉग डायल्स मिलेंगे, RPM मीटर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फ्यूल, ये मिल जाएगा टेम्परेचर के लिए, ये मिलेगा फ्यूल के लिए, ये मिल जाएगा स्पीड के लिए। 240 की टॉप स्पीड दी गई है इसकी भी, पेट्रोल है इसलिए 8000 कर रहा है, डीजल होता तो यहाँ पे 6000 तक RPM इसका शो करता। यहाँ पे आपको MID मिलेगा, इसमें वही सारे बेसिक फंक्शन मिलेंगे। ये बटन प्रेस करता हूँ तो देखते हैं क्या इसमें दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी आएगा, TPMS शो करेगा, ये इसमें यूज़र सेटिंग आएगी। सेटिंग में भी सारा कुछ वही है जो बेस वेरिएंट में था। यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पे ऑडोमीटर दिखाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी ऊपर शो करेगा। ये हो गया भाई इसका फ्रंट। अब चलते हैं पीछे। पीछे जाने से पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिलेगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए मिलेगा, जो इसका डिस्प्ले है उसके लिए यहाँ पे ये इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे मिलेगा, हेडलाइट के लिए नॉब आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है इसमें, और यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर के लिए। इसमें मैनुअल IRVM मिलेगा डे नाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सनग्लास होल्डर, येलो कलर की इसमें कैबिन लाइट मिलेगी, माइक मिलेगा, जो ग्रैब हैंडल है वो फोल्डेबल मिलेंगे, और यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। अब चलता हूँ भाई पीछे और रियर सीट का आपको फीचर्स दिखाता हूँ। ये है भाई इसकी सेकंड रो। अंदर चल के आपको इसका एक बार स्पेस दिखा दूँ। ये देखिए भाई, सीट मैंने कुछ ज़्यादा आगे कर रखी है, लेकिन वैसे भी अगर नॉर्मल 6 फीट का बंदा इसमें बैठेगा तो आराम से पीछे बैठ सकता है, इतना इसमें स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं मिलेगी, और भाई यहाँ पे आपको एसी के वेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। हम्प वही ऑलमोस्ट फ्लैट मिलेगा, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे भी कोई पॉकेट नहीं मिलेगी। ये वही फैब्रिक सीट मिलेगी जो बेस वेरिएंट में थी, और इसमें अंडर थाई स्पोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। कुशनिंग वगैरह इसमें आपको परफेक्ट मिलेगी, पूरी बेंच सीट मिलेगी, 60-40 सीट स्प्लिट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता इसमें, 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं और वो भी फिक्स मिलेंगे। यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाएगी, फोल्डेबल इसमें आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे दोनों तरफ। अब आपको दिखा देता हूँ इसका डोर ट्रिम पीछे वाला। यहाँ पे एक चेंज मिलेगा, ये आपको सनब्लाइंड मिल जाएगा मैनुअली एडजस्ट करने के लिए, कंपनी फिटेड ही, और भाई यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का ये डोर हैंडल मिलेगा। पावर विंडो का कंट्रोल है, ये थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा, पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। एक स्पीकर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1 लीटर की बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। अब चलते हैं भाई बूट की तरफ। बूट में दिखाता हूँ आपको कितना कुछ क्या इसमें मिलता है। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे वही आपको एक बटन मिलेगा, और भाई ये इसमें पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। बूट स्पेस की बात करूँ तो सेम वही 433 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, और स्पेयर व्हील भी 16 इंच का ही मिलेगा, 205/65/16 का स्पेयर व्हील है। यहाँ पे बूट लैंप भी मिल जाएगा इस वाले वेरियंट में, और हुक भी मिलेगा। ये हो गया। अब इसके इंजन की बात करूँ तो इंजन में इसमें पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले इसका इंजन बे है जो वो ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इंजन भी ओपन होगा।
और अब दिखाता हूँ इसके जो पेट्रोल इंजन है उसका सेटअप। 4 सिलेंडर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, टर्बो नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है ये। और भाई ये इसका पूरा सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पे ABS यूनिट भी मिल जाएगी। और इसकी पावर की बात करूँ 113 या 14 BHP की आपको इसमें पावर मिलेगी और लगभग 144 नैनोमीटर का टॉर्क मिलेगा। ये भाई पेट्रोल इंजन है और वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो इसमें इतनी ही पावर आपको मिल सकती है। ये 4 सिलेंडर है, ये इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा इसका जो नॉइज़ है इंजन की वो कम होगी, जो 3 सिलेंडर होगा उसमें थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा होती है। ये था भाई HTK प्लस वेरिएंट। इसमें भी आपको भाई सेम वही फीचर मिलेगा जो कि फीचर दिया जाता है इसमें किया की गाड़ियों में। ये वाला जो बटन हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए हमें ये लॉक वाला बटन है जो वो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 बार और इसको प्रेस करेंगे और फिर ये होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी ये स्टार्ट हो जाएगी। जो कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो सारा कुछ मैंने बता दिया, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है, पेट्रोल है या डीजल है। पावर भी बता दी मैंने और इसके फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी। अब भाई आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।